स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती। दिस इज भवी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 एंड 9.4। तो आइए चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या बोला है, फाइंड द 20 टर्म एंड एन टर्म्स ऑफ जीपी। हमें यहाँ जीपी की टर्म्स गिवन है 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। फाइंड आउट करनी है 20th टर्म। सबसे पहले हमारे पास ए हुआ 5/2 एंड हमारे पास आर क्या हो गया 5/4 / 5/2, तो हमारे पास हो गया 1/2, यह हो गया हमारे पास r। हमें फाइंड आउट करना है ar 20। इसका फॉर्मूला होता है ar n माइनस 1। जब हमने इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की तो हमारा आंसर आया सेम है, तो ऐड हो जाएगी तो हमारा आंसर आ गया 5/5/2 की पावर 20। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें हमें क्या बोला है। फिफ्थ टर्म है हमारी p। फिफ्थ टर्म पी का मतलब क्या है, हमारा ए आर 4 हो गया पी, इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन 1। और एट टर्म है हमारी क्या हो, ए आर 7 हो गया हमारे पास क्या हो, वो हो गया हमारी सेकंड। एंड ए आर 10 हो गई एस, वो हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। इस तरीके से हमने तीनों इक्वेशंस को लेट कर लिया। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 1 को। हमने जब इक्वेशन सेकंड से 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, ए आर 7 डिवाइड ए आर 4 इज इक्वल टू क्यू डिवाइड पी। आर क्यूब की वैल्यू आ गई हमारे पास क्यू डिवाइड पी। अब ऐसे हमें थर्ड और सेकंड का रिलेशन निकालना है। जब हमने थर्ड और सेकंड को कंपेयर किया, ए आर 10 डिवाइड ए आर 7 इज इक्वल टू एस डिवाइड क्यू, तो हमारे पास आर क्यूब की वैल्यू आती है एस बाय क्यू। अब इधर दोनों जगह से हमारे पास आर क्यूब की वैल्यू आ गई। जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास आता है एस बाय क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय पी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी। यही हमें प्रूव करना था और हमारा यहाँ पे आंसर निकल जाता। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हमें क्या बोला है। हमें सीरीज गिवन है और बोला है ये नंबर्स जीपी में है और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो सबसे पहले हमने आर निकाला किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, तो उससे हमारा एक्स आता है -7x/2। उसके बाद हमने नेक्स्ट टू सीरीज के बीच में क्या निकाला हमारा सेम आर, उसमें हमारा आता है ये। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ सकती है, एक्स की वैल्यू आ गई +-1, ये आता है हमारा आंसर। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें सीरीज गिवन थी और हमें 20 टर्म निकालनी थी। मतलब हमने सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हमने क्या निकाला हमारा आर, उसके बाद हमने एस एन वाला फॉर्मूला लगा दिया, उसमें हमने अपना ए अपना आर पुट किया, ये क्या आ गया हमारा आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, उसमें हमें सीरीज गिवन है 1-1a² a³ एंड नंबर ऑफ n टर्म्स, और हमें क्या निकाला है हमारा एस एन। तो सबसे पहले हमने a निकाला और हमारा क्या निकाला r, उसके बाद हमने सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। a की वैल्यू क्या थी 1 और हमारे पास r की वैल्यू क्या थी -1। जब हमने इसे सब्सटीट्यूट किया 1 का कोई इंपैक्ट एंड नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यह आ जाता है हमारा आंसर। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10। जो उनका सम है, थ्री टर्म्स ऑफ जीपी क्या होती है ये, और इनका सम क्या है 39/10, और जो उनका प्रोडक्ट है वो क्या है हमारे पास 1। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को ही ले लेते हैं। जब हमने इनकी मल्टीप्लाई की तो ए क्यूब क्या आ गया हमारे पास 1, ए की वैल्यू आ गई 1। अब हम इस 1 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे 1/r + 1 और आर इज इक्वल टू 39/10। फिर हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास इक्वेशन बनी, उसके बाद हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया आर 2/5 एंड आर इज 5/2, ये दो आ गई। तो हमारी इस क्वेश्चन में सीरीज क्या बनी 5/2, 1 एंड 2/5, इनका आर सेम आता है। तो इस तरीके से होंगे हमारे सम और प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 16। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम हमारे पास क्या हो गया 16 एंड नेक्स्ट थ्री टर्म्स का हमारे पास सम है 128। नेक्स्ट थ्री टर्म्स हमारे पास ये बनती है। जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, हमने दोनों में से ए कॉमन ले लिया और इसमें से हमने क्या ले लिया ए आर क्यूब, उसके बाद हमारे पास क्या बचता है सिर्फ और सिर्फ आर क्यूब।
हमारे पास r की वैल्यू आ गई 2। इसको हमने पुट किया किसमें, इक्वेशन 1 में। जब हमने इसे 1 में पुट किया तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आती है 16/7। और हमें इसका क्या निकालना था, सम। सम का फॉर्मूला हमें पता है, हमारे पास r किससे ग्रेटर है 1 से, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा सम का, r n माइनस 1 वाला। उसके अंदर जब हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो हमारे पास आंसर आता है 16/7 2^n-1। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, a की वैल्यू हमारे पास 729 एंड 7 टर्म में 64 और हमें क्या निकालनी है s7। और उसके लिए हमें क्या चाहिए r, क्योंकि हमारे पास r गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम जो हमें यहाँ 7 टर्म दी हुई है उससे हम क्या निकालेंगे हमारा r। हमने फॉर्मूला लगाया ar6, a की वैल्यू हमें पता थी, उससे हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई 2/3। अब हमारे पास r की वैल्यू यहाँ 1 से कम है तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1-rn वाला। उसमें हमने a की वैल्यू पुट की और हमारी r की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2059। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18। उसमें हमें क्या बोला है, एक सीरीज गिवन है और हमें इसका क्या निकालना है sn। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 9। इसमें आपके पास कोई भी सीरीज हो सकती है, यहाँ पर 7, 6 कुछ भी, एनीथिंग, यहाँ पर जो भी होगा आप उसको किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 9 से। इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 9 से और हमने बाहर क्या कॉमन ले लिया था 8, मतलब वहाँ 1 बचा था, तो 1 से उसे मल्टीप्लाई करके साइड में 9 बच गया। उसके बाद हमें क्या पता है 10-1 क्या होता है 9, और ऐसे यहाँ पर 100-1 क्या होता है 99, और यहाँ पर 1000-1 होता है। फिर हमने 10+100 को एक साथ करके एंड वन की इधर एक सीरीज बना ली, तो इधर क्या बचा 10 का स्क्वायर और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब एंड सो ऑन। उसके बाद हमें यह दो सीरीज मिल गई, ये हमें पता है किसके इक्वल होती है नंबर ऑफ टर्म्स n के। अब हम इस सीरीज को सॉल्व करेंगे किसके थ्रू, sn के थ्रू। 8/9 को हमने बाहर रखा, ए आर एन माइनस वन आर माइनस वन माइनस हमारा क्या होगा n। उसके बाद हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया ये। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास क्या आती है, एक शॉर्ट एक आती है। जो आपका आंसर आया है उसमें आप 1 पुट करके देखेंगे तो आपकी फर्स्ट सीरीज आएगी, वो क्या है 8। अब हम इसमें पुट करके देखते हैं 80/81 10-1-8/9 तो वो क्या आ गया 8। और अगर आप इसके आगे जाना चाहते हैं तो आप इसमें 2 पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 88+8 कितना होता है 92। जब आप 2 पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 92। जब हमने इसमें 2 पुट किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 92। इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर करेक्ट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। उसमें क्या बोला है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स, हमें सीक्वेंसेस गिवन है 2 टाइप्स के और हमें क्या निकालना है कॉमन रेशो। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट सीक्वेंस का उठाया एंड सेकंड सीक्वेंस, सेकंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म किया हमने, हमारे पास क्या आता है रिलेशन आर और ये आर। उसके बाद जो हमने थर्ड और सेकंड टर्म उठाई तो भी हमारे पास आते हैं, तो इसका मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस मतलब कि आर होती है जीपी की वो क्या आती है ये। इस तरीके से रिलेशन प्रूव होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें हमें P की ऑफ R टर्म्स गिवन है GP की ऑफ ABC रिस्पेक्टिवली और हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो रिलेशन है किसके इक्वल होगा हमारे पास 1 के। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ARP-1 को हमने किसके इक्वल रखा A के, क्योंकि हमें पता है ARN-1 हमारी सीरीज होती है, AR का AR रखा एंड N हमारे पास क्या था P, तो हमने यहाँ क्या कर दिया P-1=A। ऐसे हमने B का, ऐसे हमने C का रिलेशन निकाला। अब हमने इसी इक्वेशन में हमारी जो हमने वैल्यूज निकाली थी हमने पुट की, क्यू माइनस आर हमारे पास ऑलरेडी था और ए जो हमारा है वो हमारे किसके इक्वल है P-1 के, तो हमने यहाँ P-1 एंड या क्यू माइनस वन एंड या R-1 से उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमें पता है इसका 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 इन तीनों का बेस सेम है, जब हमने इसे प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, ए की 0 और आर की भी क्या आ गई 0। हमें पता है हमारे पास जिस चीज़ की भी पावर 0 होती है उसका आंसर क्या होता है 1, तो यहाँ पर हमारा रिलेशन सेटिस्फाई होता है कि हमारे पास इक्वेशन है वो किसके इक्वल है 1 के। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26। उसमें हमें क्या बोला है, हमें दो नंबर्स गिवन है 3 और 81 और हमें उसमें दो नंबर्स को इंसर्ट करना है, वो दो नंबर्स कौन से होंगे तो हम वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता है हमारे पास एक नंबर क्या है 81 और एक हमारा 3, तो हमारे पास n कितना हो गया 4, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए आर 3, तो a हो गया हमारे पास 3 और r क्यूब को हमने रखा r क्यूब, उस पर r हमारे पास क्या निकल के आ गया 3। तो r के लिए हमें यहाँ पर निकालना ar और ar स्क्वायर,
हमें ए पता है और हमें क्या पता है हमारा आर। जब हमने यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो हमारे पास वो दो नंबर निकल कर आ गए। वो दो नंबर हमारे पास कौन कौन से आए, 9 and 27। सो हियर टू नंबर आर 9 and 27। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमें दो नंबर निकालने के लिए बोले थे एंड हमें 81 और 3 गिवन था और हमारे पास एन कितना हो गया 4, क्योंकि दो ये एंड टू ये, ए आर 4 होगा तभी वो ये बना एआर क्यूब। तो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट की, आर की वैल्यू आ गई, फिर हमने हमारा क्या निकाला ए आर और ए आर स्क्वायर। इस तरीके से निकलते हैं हमारे इंसर्ट टू नंबर्स वाले। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें रिलेशन गिवन है और हमें बोला है मैट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। हमने अपनी सबसे फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए एंड बी। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये रिलेशन किसके इक्वल, ज्योमेट्रिक मीन के। उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्क्वेयरिंग किया बोथ साइड्स। हमने इसका स्क्वेयर किया तो ये हो गया 2n + 2 और ये रिलेशन हमारे पास क्रिएट हो गया। उसके बाद हमने इधर दोनों साइड से 2n + 2n + 1 कॉमन ले लिया, हमारे पास ये रिलेशन क्रिएट होता है। लास्ट एक्सरसाइज में हमने इस टाइप का सेम क्वेश्चन किया था जिसमें हमने क्या किया था, पावर्स को कंपेयर किया था, ये किसके इक्वल आ गए 1 के, और हमें पता है कि जिसकी जब पावर 0 जाती है तो उसका आंसर क्या होता है 1। इसके बाद हमने इन दोनों की पावर्स को कंपेयर किया, 2n + 1 = 0, तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आता है, n = -1/2। हम एक बार फिर से देखते हैं, इसमें हमें रिलेशन गिवन था और क्या बोला था, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने इन दोनों को इक्वल रखा, इक्वल रखने के बाद हमने इन दोनों का क्या कर दिया, स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद हमने इन दोनों को खोल लिया जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, एंड फिर हमने इसकी क्या कर दी इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने इधर से 2n + 1 कॉमन ले लिया, देन हमने लास्ट में उन दोनों की पावर्स को कंपेयर कर लिया, तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया, n = -1/2। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें हमें क्या बोला है, इफ ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, और हमें प्रूव करना है a + √a² - g². तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है ए एम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स क्या होता है, a + b/2, एंड जी एम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स क्या होता है, √ab। सबसे पहले हमने जब इससे निकाला तो a + b = 2 है जो इसके इक्वल है, एंड g = ab = g², रूट को हम इधर ले आए तो क्या हो गया स्क्वायर। अब हमें पता है इस फॉर्मूले के बारे में और हमें यहाँ टू टाइप्स की वैल्यूज गिवन है। जब हमने वो वैल्यूज की तो हमारे पास a - b की वैल्यू आ गई। वो आने के बाद फिर हम क्या लेंगे, हमारा फर्स्ट और थर्ड, ये हमारी कौन सी क्वेश्चन है, थर्ड, फर्स्ट और हमारी क्या रही थर्ड। उसके बाद हमने दोनों में 2a प्लस कर दिया, उससे हमारी क्या आ गई a की वैल्यू। अब हमने इसको हमारी इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, वो क्या थी a + b = 2a और a + b की वैल्यू हमारे पास थी ये, और हमने इस और इज इक्वल टू क्या था 2a। ये करने के बाद हमने b को साइड रखा और हमारे पास कौन सा रिलेशन आ गया जो हमें प्रूव करना था, हैंस 2। इस तरीके से आप इस रिलेशन को प्रूव कर सकते हैं। हम दोबारा देखते हैं, हमें am of two natural numbers and gm of two natural numbers given था। उसके बाद जब हमने दोनों को लिया हमारे पास am और gm दोनों का रिलेशन आ गया। उसको करने के बाद हमने a - b वाला फॉर्मूले के बारे में हमें पता है, उसमें हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो हमारे पास a - b की वैल्यू आ गई। फिर उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ से वैल्यू निकाली और उसमें पुट कर दी, तो ये आ जाता है हमारा आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 32 जिसमें हमें am एंड gm के रूट गिवन थे। am का मतलब सेम, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा a + b/2, वो क्या गिवन है, गिवन है हमें 8, और a भी हमारे पास क्या है 25, तो a भी हमारे पास क्या है 5, तो a भी हमारे पास क्या हो गया 25। और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x²- sum of roots + product of roots। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है a + b, ये इधर जाएगा तो ये क्या हो गए 16, तो x²- 16x + 25 = 0, ये आ जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 9.3 खत्म होती है। अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 9.4। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज। हमें यहाँ सीरीज गिवन है और हमें पता है an का फॉर्मूला n+1, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ समेशन किया, हमारे पास यहाँ क्या बना n² + n, इसे लेट कर लिया k² + k। जहाँ पर भी आपके पास n स्क्वायर आता है आपको पता है आपका फॉर्मूला वहाँ कौन सा लगता है, n n + 1 2n + 1 / 6। और जहाँ पर आपका सिंगल n आएगा वहाँ पर आपका फॉर्मूला होगा n n + 1 / 2। तो उन्हीं फॉर्मूलाज को हमने अडॉप्ट किया। उसके बाद हमने n n + 1/2 कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा 2n + 1/3 + 1, तो हमारा आंसर आ गया ये।
ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 1/2, 2/3 इस तरीके से रिलेशन गिवन है, तो इस तरीके से हमारा आंसर कैसे आएगा हम वो देखते हैं। अगर हमने 1 - 1 - 1 + 2 किया तभी हमारा ए वन आया, ऐसे हमारा ए टू आया, ऐसे हमारा क्या आया ए थ्री। अब हमने इसी रिलेशन को अडोप्ट करते हुए हमारा क्या निकाला एस एन 1 - 1 / n + 1। फिर हमने इसका एलसीएम ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया एन डिवाइड एन प्लस वन। इस तरीके से आता है हमारा इस क्वेश्चन का सम। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हमें गिवन है 3 × 8 + 6 × 11 and 9 × 14। तो सबसे पहले हमने 3 की सीरीज निकाल ली और इधर से हमने 8, 11 और 14 की निकाली। यहाँ पर हमारा कौन सा रिलेशन होता है के स्क्वायर वाला और इधर होता है के। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है एन समीशन के इज इक्वल टू 1 k² and 15 समीशन के। हमें अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था जहाँ भी हमारे पास स्क्वायर होगा एन एन प्लस वन इंटू 2n + 1/6 रिलेशन कौन सा हो गया एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आता है 3n × n + 1 × n + 3। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इक्वेशन गिवन है, जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास हमारा आंसर क्या आएगा n³ + 5n² + 4n। जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया उसके बाद के क्यूब के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 एंड 5n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड 6। जब हमने ये तीनों फॉर्मूले को अडॉप्ट किया तो हमारे पास आंसर आता है ये। देखते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें इक्वेशन गिवन है 2n - 1 का होल स्क्वायर। हमने इसको खोला तो हमारे पास इक्वेशन क्रिएट हुई 4n² - 4n + 1। इसका हमने समीशन वाला रिलेशन क्रिएट किया 4 summation k = 1 k² - 4k + 1। तीनों के लिए हमें फॉर्मूला पता है k स्क्वायर के लिए ये, k के लिए ये एंड 1 क्या होता है हमारे पास n। फिर एलसीएम लेके हमने इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर क्या आ गया n 2n + 1 2n - 1 / 3। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।